ये तो सिर्फ एक थैली है। तुम तो कह रहे थे कि हजार हजार की अशर्फियों से भरी हुई 365 थैलियाँ हमारे हवाले करोगे और हमें अपना लोगे। कहा तो था मगर अपनी किस्मत में रोज कुआ खोद कर रोज पानी पीना लिखा है। मतलब मतलब ये कि मुर्ग रोज सोने का अंडा देगा। जाहिर है कि आप अकलमंद हैं और ये नहीं चाहेंगी कि मुर्गे का पेट काट कर सोने के सारे अंडे एक साथ निकाल लो। क्यों? औरत को जितना भी सोना मिले कम है। और फिर वैसे भी ये बेसब्री हमने नहीं आपने ने दिखाई थी। मेरी बेसब्री और बेताबी मेरे सच्चे इश्क की अलामत और निशानी थी। अब तुम भी अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करो। हमें तो सिर्फ दौलत से मोहब्बत है। दौलत जितनी बेइंतहा होगी हमारी मोहब्बत भी उतनी ही बेइंतहा होगी। क्या देख रही हो? पूरी हजार अशर्फियां हैं। हम सोच रहे थे तुम्हें खबरदार कर दें, यहां से लौट जाओ। मगर क्यों? तुम पर तरस आता है, वरना यहां सैकड़ों आशिक आए हजारों लाख लुटा कर चले गए या फिर हमारे दरो दीदार के फकीर बने हमारी गली में डेरा डाले बैठे हैं। मगर आज तक उनमें से किसी पर भी तरस नहीं आया था हमें। तो गोया कि तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है। अच्छा अच्छा है कि शिकार पर तरस आ जाए, समझो उसे मोहब्बत हो गई है। इस खुशफहमी में मत रहना, ये तुम्हारा भ्रम है जो जल्द ही टूट जाएगा। और वैसे भी लोग मुझे बेवफा सनम यूं ही तो नहीं कहते। अरे बेवफा सनम, सनम तो पत्थर के होते ही हैं, और वो इश्क ही क्या जो पत्थर को पिघलाकर मोम करते। तुम देखोगी कि मेरे इश्क की शरारत तुम्हारे पत्थर दिल को भी पिघला देगी। जिद्दी आशिक अपनी जिद पूरी करके देख लो, मगर जब नाकाम हो जाओ तो हमें इंजाम ना देना। आशिक अंजाम की परवाह नहीं किया करते, मोहब्बत करने वाले सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करते हैं। क्या हुआ? तुम्हारे होंठ बहुत गर्म है। मोहब्बत की गर्मी है, इश्क की शरारत है। हाँ, तुम अभी से इस शरारत से पिघलने लगी हो, वरना अपना हाथ यूं ही ना खींचती। तनीष,
जाकर तहखाने के खजाने में रख दो। जी अच्छा, ये जलाल तो अपने वादे का पूरा निकला, आज तक उसने एक भी नग नहीं किया, और फिर हर रात 1000 अशर्फियां हमें यूं लाकर देता है जैसे कोई फकीरों में खैरात बांट रहा हो। आज तो हमको पागल कह लो, पत्थर फेंको या तंज करो, इश्क की बाजी खेल नहीं, खेलोगे तो हारोगे। सलाम मेरे बापा का, ये आशिक तो बड़ा वफादार निकला। सिर्फ वफादार नहीं, पायदार कहो पायदार। महीनों गुजर गए, बेवफा के कदमों में खजाने के खजाने लुटा दिए, मगर इस आशिक के कदम नहीं उखड़े। पता नहीं कौन सा कारों का खजाना मिल गया है कमबख्त को। शुक्रिया ए जिनी दौलत, तुम्हारी रोज की इन मेहरबानियों की बदौलत महजबीन के आशिकों की फहरिस्त में तेरा नाम सबसे ऊपर आ गया है। अब सिर्फ एक महीना बचा है जब मैं और महजबीन एक हो जाएंगे, मैं उससे शादी करूंगा। मगर मैं अपने भाई बिलाल के बगैर शादी कैसे करूंगा? पता नहीं वो कहां होगा, मुझे उसकी खोर खबर मालूम करनी ही होगी। लेकिन मैं खुद अगर उसे ढूंढने निकलूं तो महजबीन का क्या होगा? अगर उसे एक दिन भी अशर्फियों की थैली नहीं मिलेगी तो उसे बहाना मिल जाएगा मुझसे पीछे छुड़ाने का। ए जिने दौलत हाजिर हो, ए जिने दौलत हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। क्या हुआ आका, आपने क्यों याद फरमाया? अशर्फियों की थैली तो मैं अभी अभी रख चुका हूँ। तुम्हें मेरा एक काम और करना होगा। एक दिन में 1000 अशर्फियों से ज्यादा मैं नहीं दे सकता, कोई और काम हो तो हुक्म कीजिए। तुम्हें मेरे भाई बिलाल का हाल मालूम करके मुझे बताना है कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। बस मैं चंद दिनों में ही सब कुछ मालूम कर लूंगा। चंद दिनों में? इसका मतलब है कि तुम गैर हाजिर रहोगे, तो फिर मुझे अशर्फियों की थैली कौन पहुंचाएगा? उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं कहीं भी रहूं सुबह सूरज निकलते ही आप तक पहुंच जाया करेगी। तब तो ठीक है, तो आप तुम जाओ और मेरे भाई बिलाल की खबर लेकर आओ। जो हुक्म आका। शादी और जलाल के साथ? वो हम कभी नहीं करेंगे बाजी हुजूर। वादे के मुताबिक 1 साल पूरा होते ही आपको जलाल से शादी तो करनी ही होगी।
साल पूरा होगा तब ना, मगर साल पूरा होने में तो अब सिर्फ महीना रह गया है। एक ना कहें 30 दिन कहें, महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन में कुछ भी किया जा सकता है। आपका मतलब है जलाल को नाकाम करने के लिए? हमारा मतलब शादी से अपना बचाव करने के लिए है। और फिर हमने किसी दौलतमंद को पाने के लिए ये दुकान नहीं लगाई। हमें कोई दौलतमंद नहीं, उसकी दौलत चाहिए, सिर्फ दौलत। ऐसा करना तो वादा खिलाफी और बेवफाई है। जिसका नाम ही बेवफा हो उसे वफा की उम्मीद करना बेवकूफी है। बाजी हुजूर, आप उसे बेवकूफ समझने की भूल मत कीजिए, वो आपको जरूर हासिल करके रहेगा। आखिर वो साल भर यूं ही आप पर दौलत नहीं लुटाता रहा है। हम सोच रहे हैं आखिर उसकी कभी न खत्म होने वाली दौलत का राज क्या है। और फिर वो कोई काम या कारोबार भी नहीं करता और ना ही उसके पास कोई खजाना है, वरना वो वादे के मुताबिक हजार हजार की थैलियां लाकर हमारे कदमों में रख देता। इसका मतलब है उसे कहीं से रोजाना 1000 अशरफियों की थैलियां मिल जाया करती हैं, कहीं से नहीं, गायब से कहो गायब से। यकीनन उसके पास कोई कुवत या कोई बला है, या उसके कब्जे में कोई जिन है जो उसे हर रोज लाकर ये दौलत देता रहता है। हमें कुछ करना होगा, जल्द ही कुछ करना होगा। ये लो, ये थैली भी जलाल की दी हुई दूसरी थैलियों के साथ रख दो। जो हुक्म बाजी हुजूर। का जलाल इस बेवफा सनम के गुलाम बन गए हैं। मेरे भाई जिन ने दौलत की बख्शी हुई दौलत को उसके कदमों में डाल रहे हैं। ये खबर मेरे आका बिलाल को फौरन बतानी चाहिए। होशियार, खबरदार, सल्तनत फरान, मुल्क बिलाल इब्ने कासिम तख्त फरान पर जलवा फरोज हो रहे हैं। आका बिलाल को तो भाई रियासत ने क्या से क्या बना दिया। बादशाह बने आका बिलाल का जलाल तो देखने के काबिल है। दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। शहंशाह अली, जैसा कि आप जानते हैं आज का यह दरबार हमारे पड़ोसी मुल्क खुरासान के बादशाह की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। चाहे खुरासान हमसे क्या चाहते हैं? मदद चाहते हैं अली जान। कैसी मदद? शहंशाह अली की इजाजत हो तो शाह खुरासान का नुमाइंदा
आपको उनकी तहरीरी इल्तिजा को पढ़कर सुनाना चाहता है। इजाजत है। इजाजत है। शहनशाह फारान मुल्क बिलाल बिन कासिम की खिदमत में शाह खुरासान के सलाम के बाद अर्ज है कि मेरी बेटी शहजादी हुस्न आरा के बेमिसाल हुस्न पर कोहे काफ का चिन गुलफाम आशिक हो गया है और हुस्न आरा की मर्जी के बिना शहजादी के होश हवास को अपने कब्जे में कर रखा है। यहाँ तक कि शहजादी हुस्न आरा को अपने आप पर कोई काबू नहीं रहा है। जिन गुलफाम के असर के बिना पर हुस्न आरा पर अजीब तरह की दीवानगी जारी रहती है। हकीमों, तबीबों, आमिलों और जादूगरों ने हर तरह की कोशिश की कि गुलफाम के तिलिस्मी असर के शिकंजे से शहजादी हुस्न आरा को आजाद कर दिया जाए, मगर अफसोस किसी को कामयाबी नसीब नहीं हुई। सल्तनत फारान के दरबार में हमारी इल्तिजा को पढ़े जाने का मकसद ये है कि अगर फारान का कोई जियाला शहजादी हुस्न आरा को ठीक करने का बेड़ा उठाए और हमारी लाडली शहजादी दीवानगी से फिर होशो हवास की दुनिया में वापस आए तो हम उस खुश नसीब नौजवान से शहजादी हुस्न आरा की शादी कर देंगे और जहेज में आधी सल्तनत भी दे देंगे। ऐ शाह फारान, मुझे उम्मीद है कि आपके दरबार में मेरी फरियाद खाली नहीं जाएगी। दस्तखत व मोहर शाह खुरासान। शाह खुरासान के फरियाद हरगिज खाली नहीं जानी चाहिए। आखिर वह हमारे हमसाए हैं, पड़ोसी हैं, और पड़ोसी का गम अपना गम होता है। इसलिए हम शाह खुरासान की यह फरियाद फौरी तौर पर कबूल करते हैं और चाहते हैं कि कोई नौजवान आगे बढ़े जो न सिर्फ जिन गुलफाम का मुंह काला करे बल्कि शहजादी हुस्न आरा को उसके चुंगल से छुड़ाने का बीड़ा उठाए। है कोई ऐसा नौजवान? कोई नहीं। ताजुब है। चाहे खुरासान की फरियाद का यूं खाली जाना सल्तनत फारान की तौहीन है। क्या तुम्हें अपनी सल्तनत की तौहीन मंजूर है? तुम्हारी यह झुकी हुई गर्दनें कह रही हैं कि तुम्हें अपने वतन की तौहीन मंजूर है, मगर मुझे अपने वतन की यह तौहीन हरगिज हरगिज मंजूर नहीं। जिन गुलफाम के कब्जे से शहजादे हुस्न आरा को आजाद कराने का बीड़ा हम उठाते हैं। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे आका। तुमसे कितनी बार कहा है कि यूं अचानक मेरे सामने जाहिर होकर मेरा दिल न धड़काया करो। मुआफी चाहता हूं आका, ये मेरी आदत और एतबार है जो बदल नहीं सकते। आखिर जिन हूं, आपकी तरह आदमजात नहीं हूं। आने के लिए जो दरवाजे का इस्तेमाल करूं। अच्छा ये बताओ कि मेरे बड़े भाई जलाल की क्या खबर लाए हो? आपके भाई जलाल को मेरे भाई जी ने दौलत ने दौलत से मालामाल कर दिया है। अच्छा, तब तो जलाल भाई के पास दौलत का ढेर लग गया होगा। दौलत का ढेर तो जरूर लग गया है, मगर जलाल के पास नहीं। क्या मतलब?
क्या कहना चाहते हो तुम? आपके भाई की दौलत का ढेर बहुत ही हसीन मगर कमीन औरत माँ जबीन के कदमों में लग गया है। पहले मत बुझाओ, बात को खुलकर समझाओ। आखिर कौन है माँ जबीन? उसका पूरा नाम माँ जबीन सनम है, मगर वो बेवफा सनम के नाम से मशहूर है। लोग उसके हुस्न के दीवाने हैं और वो हुस्न के दीदार के लिए उनसे दौलत लूटती है। हजरत खुदा का भाईजान तो मर्ज़े इश्क में मुब्तिला हो गए, अब क्या होगा? ये बड़ा ही खतरनाक मर्ज है। इस मर्ज में अगर कोई फंस जाता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जिन रियासत, तुम तो जिन हो, तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। नहीं आका, ये मर्ज लाइलाज है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप तो जानते ही हैं, जिन गुलफाम एक आदमजात शहजादी हुस्न आरा के इश्क में किस तरह बुरी तरह फंस कर रह गया है। अच्छा आका, अब आप मुझे इजाजत दीजिए। तुम जा सकते हो जिन्न रियासत। खुदा हाफिज मेरे आका। शहजादी हुस्न आरा इतनी हसीन होगी, तभी तो एक जिन उस पर आशिक हो गया है। हुस्न आरा, हुस्न आरा, हुस्न आरा।